हो, कॉलेज में हो, शराब टूट गया, आमीन। जो बच्चा नहीं हो रहा, बेटा नहीं हो रहा, परमेश्वर गुड न्यूज देगा तेरे को यीशु मसीह के नाम में। विश्वास किया परमेश्वर पर, तूने पवित्र आत्मा तुझे तेरा भला करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ, आज अंगीकार करके जा। कितने बच्चे चाहिए तेरे को? जल्दी बोल, दो मिलने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह। वो ब्लैक मैजिक आज तेरे पति के सिर पे से खत्म हो गया। वो चीजें जो हरे कपड़े में देख रहा हूँ, कुछ चांदी की अंगूठियां देख रहा हूँ, फिनिश। स्नेक देख रहा हूँ, फिनिश। वो चांदी के स्नेक, फिनिश। आपके लिए बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा काम कर रहा है यहाँ पर यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिलेगा, बेटा होगा यीशु मसीह के नाम में। कितने बच्चे हैं अभी आपके पास? जोर से बोल। कोई भी नहीं है, दो होंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा काम कर रहा है इसी समय। परमेश्वर परमिंदर, परम परमिंदर, परम जी से जुड़ा हुआ, पी से, पम्मी से, कौन है, इनके नाम लेकर आपको ब्लेस कर देना बस। आपको ऐसे बार बार बोल देना, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, लाइव चल रहा नहीं बताऊंगा, ब्लेस कर देना बस, ब्लेस बार बार, तीन बार ब्लेस कर। परमेश्वर जो भी वो नाम ले रहे प्रॉफिट जी, मैं उसको ब्लेस करता हूँ। इसका मतलब फ्री हो रहे हो, फ्री हो रहे हो, मैं गुड न्यूज मिल रही है। सुखविंदर, सुखविंदर कौन है? सुखविंदर, सुखी, हाँ सुखविंदर, अबालाबा शबालाबा, हाँ खड़ी रहे, खड़ी रहे, अबालाबा शबालाबा, इसके पेट से वो शराब टूट जाए। आउट 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 आउट, बारा 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 बारा, चलो आरा रा 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 फ्री गया। सुपर नेचुरल पावर इसको टच करे उसी के नाम, फ्री हो जाए। आमीन। न्यूज मिल रहा है, हाँ सुखविंदर, हाँ कौन ब्रदर है? इटली की तैयारी कर, यूरोप की तैयारी कर भाई, मैं बोल फटाफट लड़की, हाँ जाना चाहता है वो। हाँ जी, कितनी बार ट्राई किया पहले? हाँ जी। फेल हो गया? हाँ जी। मैनू कितना पता? प्रभु ने दस्या। प्रभु ने दस्या? हाँ जी। तुहानू पता लग गया किहड़े चर्च आंदे हो, क्यों कर रहे हैं प्रोफेसी तुहाडे वास्ते? तुसीं ऐ ना समझो कि इत्थे कोई भाई साहब पैसे देने वाले दी प्रोफेसी हुंदी आ, सारे प्रोफेसी हुंदी आ। हालेलुया। समझ भाई, देश का गला खोल दे, तेरा गला खोल दूंगा आज मैं। हालेलुया हालेलुया। हाँ, हालेलुया का मतलब होता है गुस्से को शांत करना। हालेलुया, ये हालेलुया शब्द ना था तो अब ये साउंड वाला तीन बार पीटता। सुंदर, दो बार ट्राई किया तेरे भाई ने, लेकिन तेरे तेरा कंसीव करना, तेरा रिसीव करना मुझे अच्छा लग रहा है। ओके, 2000 रिसीव बार जा रहा है। आमीन। शर्मा मत, पवित्र आत्मा काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम। हाँ हाँ, पूनम, पूनम लो, कौन है? पूनम, 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 क्या दौड़ के, दौड़ के, दौड़ के, फिर से कहूँ, फिर से कहूँ, फिर से कहूँ, हमारी लड़की है सर। कौन है? हमारी लड़की है। आपकी लड़की है जी? यूपी से आए जी? होली स्पिरिट ने मेरे को, आप हाँ, परमेश्वर के आत्मा ने मेरे को बोला, मुझे कहा अभी आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे पूनम के लिए रास्ते खुलने के लिए जा रहे हैं, आप उसको करते हैं। बहुत सारे पवित्र आत्मा करके मैं आजाद कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। कहाँ पर है वो भी, कहाँ पर है? हाँ सुनो 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 सुनो, हाँ पवित्र आत्मा ने मेरे को कहा कि आप अगर इधर हाथ करो, यूपी की तरफ, यूपी की तरह मुझे नहीं पता, नक्शे में कर देना, घर जाके हाथ नक्शे में हाथ कर देना उधर। और पवित्र आत्मा मुझे बोला कि आपके बच्चों में किसी को, जानकारी में, नाती पोतों में, सबको कोई भी हाथ करे, गवर्नमेंट जॉब के आशीर्वाद मिल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जॉब मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। फार्म भरना, छोटा है बड़ा है कोई भी हो, जिसके नाम GNRSP MKL से है, गवर्नमेंट जॉब लग रही है आपकी यीशु मसीह के नाम। विश्वास कर रहे हो? त्राता मुझे बोल रहा है, पीछे कोई राजू है, राजू, राज, 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 यस, हाँ हाँ,
टाटा जो भी है खड़े हो जाओ, अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर करो जिसका नाम राज और राजू है। हाँ, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है कुछ राज और राजू कुछ कमियों के कारण परमेश्वर आपको वो काम नहीं बना रहा। सुन रहे हो, होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं बड़ी जल्दी एक बड़ा बिजनेस आपका मसीह के नाम में, बड़े बिजनेस की तैयारी करो यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिल रही है, आशीष आ रही है आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में, हर एक आशीष आपके ऊपर खुल रही है। बोलो हालेलुया। मिल जातियां ने आज ला दिया स्वर्ग दूतां दा दल जदों आंदाए अबला बाशा अबला बाबा ये सुना। हां स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप। हां स्टैंड अप, हाथ माइक करा फटाफट लड़के। हां सुनो, बेटे का आशीर्वाद यीशु मसीह के नाम में, और वो यूट्रस में से वो प्रॉब्लम्स खत्म कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। न्यूज को दे रहा है, गुड न्यूज को दे रहा है, आशीष को खोल रहा है। कह रहा है कि वो जो चीज मैं कुछ चीजें देख रहा था, ऐसे कोई कपूरथला और अमृतसर के बीच से मैं कुछ ऐसे चीजें देख रहा हूँ, होशियारपुर ऐसे और लुधियाना ऐसे जलंधर इस एरिया के आस पास से कोई ब्लैक मैजिक था। कहाँ से आया? हालेलुया। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला वो खत्म हो गया, उसने तोड़ा था वो होशियारपुर से कुछ 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर ताप पर वार करता है। आप जब जाते हो 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर ताप पर वार करता है, आज से उसका वार खत्म। और आज से गुड न्यूज, कितने साल से बच्चा नहीं है? पापा जी 9 साल हो गए। गुड न्यूज मिल रही यीशु मसीह के नाम में। पापा जी गुस्सा बहुत आंदा है, हाँ वो तो मुझे भी आता है। सारे बोले हालेलुया। गुस्से की कोई बात नहीं, वो आपको शांत शांत महिला बनना है, आपको गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। घबराना नहीं है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। यहोवा तेरे नाम। बोलो 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 बोलो, तू ना घबराई, तू ना घबराई, स्टेज पर लेकर आ गवाइयां फटाफट। यहोवा तेरे नाल है, नाल है ओ नाल है, यहोवा तेरे नाल है, नाल है ओ नाल है, यहोवा तेरे नाल है। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय विश्वास करो, आज पवित्र आत्मा आपके साथ है। परमेश्वर जिन जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा जो मुझे देख रहे हैं इनके घर में इनके परिवार में, पवित्र आत्मा से ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग आने शुरू हो जाए। जिन्होंने आज विश्वास किया पवित्र आत्मा जी आज भविष्यवाणी पर, पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मैं जिनके नाम VNARSGH और KD से हैं, P से हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये आपके लिए भविष्यवाणी, क्या आप ले सकते हैं इसको? जब तक आप आमीन नहीं बोलते तब तक वो पूरा नहीं होता। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग ब्रांचें जुड़ी हुई हैं, परमेश्वर इसी से गुड न्यूज मिले यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हाँ हाँ, ये ब्रांचों को खोल, गवाही लेंगे ब्रांचों की फटाफट। शाबाश, जल्दी जल्दी ब्रांचों की। हाँ, दिल्ली ब्रांच सेट अप फटाफट, जल्दी जल्दी दिल्ली ब्रांच फटाफट खोलते रहे ब्रांचें। शाबाश, हाँ हाँ, दिल्ली ब्रांच, पूना ब्रांच, मुंबई ब्रांच, दिल्ली ब्रांच, स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप, दिल्ली ब्रांच। आवाज नहीं आ रही दिल्ली ब्रांच। हाँ हाँ, गवाही लेंगे फटाफट, गवाहियां लेकर आ, शाबाश, जल्दी जल्दी गवाही से। हाँ हाँ, हालेलुया। प्रॉफिट जिस बैंड की बहुत ही बड़ी गवाही है, इनके यूट्रस में रसौलियां थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, जैसे ताजपुर चर्च में आए स्पेशल 20 वोकल लेहन प्रार्थना करवाने से ये बैंड नॉर्मन क्रॉस के साथ ब्लेस हो चुके हैं। नाली है ओ नाली है, क्या कह रहे यहोवा तेरे, देख लो आपके सामने वो मोबाइल में ले हैंड की फोटो भी वीडियो भी लेकर खड़े हैं, वीडियो है। हाँ, दिखाओ इसको स्क्रीन पर आगे करके। पापा जी जय मसीह की, पहला सुन ले, पहला सुन ले पापा जी, इधर मोबाइल दिखाओ अपना। हाँ शाबाश, दिखाओ कैमरे के सामने जा दौड़ के। हाँ मोबाइल खोल, मोबाइल खोल, शाबाश। देखो इस बहन के लिए जादू उड़ने को देख रहा हूँ, एक बीमार होता है दूसरा बीमार हो जाता है, कभी तीसरा
बंदा बीमार हो जाता है, सारा पैसा दवाइयों में जा रहा है, प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम हो रही है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोलने के लिए बोल रहा है, आत्मा कह रहा है कोई सुनीता के लिए प्रेर करना है जी। और उसी समय उस दिन से तेरे काम खुलने लगेंगे। यस आमीन। आपको सुनीता के लिए प्रेर करना है जी। आप सोनिया के लिए प्रेर करना है। यस। जो दो नाम दे रहा हूँ उसको आप जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। yes. मैं आपके बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम देख रहा हूँ। yes. आपके पेट में कुछ प्रॉब्लम देख रहा हूँ। yes. परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज वो समस्या, वो कीड़ा, वो बाहर जाएगा। yes, इस मसीह आज आप आशीष को देखेंगे जो घर नहीं बना पा रहे, घर नहीं बना पा रहे। बड़े टाइम से आप प्रार्थना कर रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ क्या नहीं? परमेश्वर कह रहा है कि तीसरे महीने में स्टार्ट करेगा, एक बिल्डिंग को स्टार्ट करेगा। इस मसीह का सारे बोला हालेलुया। सुना आपने अभी? सुन रहे हो? ये सस्ता मोबाइल था, गिरा दिया मैंने इसको आपके सामने। देखो अभी मैंने इसके लिए क्या भविष्यवाणी किया था कि यूट्रस में तेरे प्रॉब्लम है और तू छूट चुप चुप कर। एक मिनट, तेरे से पूछा नहीं मैंने अभी। सुनो आपका, देखो यूट्रस में प्रॉब्लम है और परमेश्वर तुझे याद कर रहा है और इसने अब बोल बेटे, अब बता। हाँ पापा जी, मुझे बहुत दिक्कत होती थी, मैं चलती तो मेरे दुखन महसूस होते थे बहुत ज्यादा, मैं बैठ भी नहीं सकती क्या थी। था बता था डॉक्टर पापा जी, रसोलिया तो यूट्रस बंद थी। हाँ। ऐसे बड़ा दिक्कत होता था, मैं कल रिपोर्ट करवा के तो मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आया। मैं धन्यवाद करती परमेश्वर का, परमेश्वर के दास का, प्रभु ने अच्छे दास दिए मेरे प्रभु, धन्यवाद। क्या हुआ था आपके लिए, क्या हुआ था? आपने भविष्यवाणी किया था 17 सितंबर को आगे बुला के मेरे लिए, और लैंड कराई थी स्पेशल, लैंड कराई थी स्पेशल और भविष्यवाणी किया था। और आज मैंने क्या किया है? चिंता तुम्हारे से पूछ रहा हूँ, जनता जनार्दन तुम्हारे लिए क्या किया अभी? तो तुमने, जितनों ने इसकी तरह विश्वास कर लिया, जाओ चेक कराओ, तुम्हारे घर में गुड न्यूज आने वाली है। यीशु मसीह नाली है, ओ नाली है, यहोवा तेरे ही नाली है। सुनो इसको स्क्रीन पर अच्छे से देख लो, जिसको यकीन ना हो। पहले आपको दिखाया आफ्टर और बिफोर, भविष्यवाणी किया और इस रिपोर्ट में सारी रिपोर्टें, इसका नाम लिखा हुआ है कि वो जो प्रॉब्लम थी वो नॉर्मल हो गई है यीशु मसीह के नाम में, कि एक भी अब यूट्रस में रसोली नहीं है ना, वो यूट्रस की जो ट्यूबें थी बंद थी वो भी खुल गई हैं। मैं उन बहनों के लिए कह रहा हूँ कि जिनके पास बच्चा नहीं है, आप विश्वास करें, उनके लिए मैं प्रोफेसी कर रहा हूँ, जिनके नाम SNRM GPKL और टी से ए से, आपको बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो, आपको गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत ही बड़ी गवाही है। ये बहन अपनी गवाही में बता रही है कि इनको कैंसर की प्रॉब्लम हो चुकी थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, स्पेशल सीट को भोकर लेन प्रार्थना कराई, नॉर्मल पर के साथ प्लस सच गए। नाली है, ओ नाली है, यहोवा तेरे नाली। हालेलुया। हा 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 हा। देखो बेटे कैसे रो रो कर बता रही है कि इसकी लड़की को कैंसर हो गया था, आप ऐसे, इसको खुद कैंसर हो गया था, कि आप ऐसे चर्च में आते हैं जहां पर बड़ी बड़ी गवाहियां आप हर संडे सुनते हैं। सुनते हैं कि नहीं? लाली तेरी मम्मी को बुलाऊं क्या? हाँ सुनो, आप देख रहे हैं मेरी बात, कि इस बहन को कैंसर हो गया था और ये बता रही है, आप सुन रहे हैं कि परमेश्वर ये बड़ी बड़ी बीमारियों को चंगा करने का गिफ्ट है यहाँ पर, लेकिन जब आप आशीषित प्लेस में आए हैं तो आपको चंगा होने से कोई नहीं रोक सकता यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करें, आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए। हाँ सुनेंगे गवाही को, शाबाश। उसकी उससे लड़की देगी सारा नु जय मसीह दी। मैं प्रॉफिट बलजिंदर सिंह दी मिनिस्ट्री वाला सारा जय मसीह दी कहनी हां कि मेरी मम्मी ने जदों से पहली बार लैके आए सी, बहुत तकलीफ से सी, असी बहुत रिपोर्टा कराइयां ते सारा जवाब दे दिता सी, बोले इनू कैंसर हो चुकी और लीवर खत्म हो चुका, इनू करे लै जाओ तुसी इत्थे लैके आए। पहली बार उन प्रेयर करवाई, प्रेयर करवाई ले हैंड प्रेयर करवाई, तो मम्मी जी ने इतने भी लैके इतने भी प्रेयर करवाई प्रॉफिट बजिंदर सिंह तो, फिर इतों जाके 12वें महीने की 9 तरीक न लै गए, असं 26 तरीक न करे गए, 30 तरीक न रिपोर्टा कराई, तो 1 महीने रिपोर्टा नॉर्मल आ चुकिया सी। मैं बोलिया नची 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 यसु लई, मैं बोलिया नची 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 यसु लई, मैं बोलिया नची 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 यसु लई।
हालेलुया। सुन रहे हैं आप कितने खुश हैं फैमिली, कह रहे कि कैंसर का ट्यूमर का प्रॉब्लम हो गया था, किसी ने बताया, किसने बताया था बेटा यहाँ पर माइक च दस, किन्ने दसिया तेन इतने जाओ जी? मेरी बड़ी सिस्टर ने काफी साल हो गया थे जी, तुम्हारी बड़ी सिस्टर ने दसिया ते छोटी सिस्टर इतने नहीं आंदी जी? ओ वड्डी होंदी है छोटी, मैं तू आंदी नहीं सी पहला? नहीं जी, एक बार आई सी 5-7 बाद, फिर मैं मम्मी नु लेके आई सी। केड़े शहर तो आए तुसी? असी फतेहाबाद जिला टोआणा शहर है हरियाणा तो। ओथे भी पंजाबी रहंदे ने? सारे बोलो हालेलुया। ये ओथे तो बहुत रहंदे ने। सारे बोलो हालेलुया। आपके सामने फतेहाबाद हरियाणा से आई और बता रही है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप चाहे कहाँ से देख रहे हो, चाइना से, श्रीलंका से, नेपाल से, इंग्लैंड अमेरिका से, चाहे आप उड़ीसा छत्तीसगढ़ से, एक बार विजिट करके देखो, गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। नेक्स्ट, हाँ हाँ, शाबाश, हालेलुया। प्रॉफिट जिस भाई की बहुत ही बड़ी गवाही है, 30 साल से इनको पाइल्स की प्रॉब्लम थी, बहुत इलाज कराया लेकिन आराम नहीं मिला। जैसे ताजपुर चर्च में आए, प्रोफेसी को रिसीव किया, ऑयल वाटर को लगाया, 30 साल की बवासीर से आजाद हो चुके हैं। का मतलब मैं बताता हूँ, शैतान के लोग कभी ताड़ी नहीं बजाते। क्या कह रहे हैं? खुदावन के लोगों, तो आपकी ताड़ियां कहां हैं? 30 साल से, 30 ईयर से लाली डब्बी बना के रख, 30 साल से, सुन रहे हो, 30 ईयर से बवासीर थी। हाँ बेटे, कब से था? 30 साल से था, मैं प्रोफेसरी रिसीव किया था। प्रोफेसरी रिसीव किया था, हां, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, हां, फिर कैसे मिली आशीष? लगाया, फिर ठीक हो गया था। लगाए तो ठीक हो गए, अब बवासीर नहीं है। कितने साल से थी? 30 साल से। 30 साल से। डॉक्टर क्या बताया, ऑपरेशन करना पड़ेगा? नहीं सर, ये डॉक्टर ने चेक कराया था तो कुछ भी नहीं बताया था। कुछ भी नहीं बताया जी, लेकिन वो परेशानी था ही मुझे, मैं थक गया था दवा खा कर। वही तो पूछ रहा हूँ, दवा खाया, कुछ तो खाया होगा जी? दवा खाया तो बहुत दवा खाया था, मैं एंडोस्कोपी कराए थे, बवासीर का टेस्टिंग भी कराए थे, लेकिन उसमें नहीं बताया था। आपका टेस्टिंग में भी मतलब कि कुछ भी डॉक्टर नहीं बता पा रहा जी? जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। जाए जाए, शाबाश। नेक्स्ट, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। हां हां, प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत ही बड़ी गवाही है। यह बहन अपनी गवाही में बता रही कि 8 साल से यूट्रस में रसौलियां थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, ताजपुर चर्च में आए, लैंड प्रार्थना करवाई, रसौलियां बाहर आ चुकी है। हालेलुया। हां बेटे, कहां से आए आप? बटाले से। जोर से बोलो, बटाले से। हम भी आए बटाले से, बटाला पंजाब से आई है। हाँ, कब से थे बेटे रसोलियां ये? 8 साल से। 8 साल से? हाँ जी, 8 साल से। कैसे मिला छुटकारा बेटे? ले हैंड प्रे कराई थी और अभी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, शाबाश, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। देखो, रसोलियां बाहर आ चुकी हैं, ले हैंड प्रे कराने से आजाद हो चुकी है। मैं फिर कर रहा हूँ, जो ले हैंड प्रे करा रहे हैं, गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, बवासीर चली गई, और कह रहे कि जिसने भविष्यवाणी को सुना और रिसीव किया, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, कह रहे उसकी यूट्रस में से रसोलियां चली गई। आप सुन रहे हैं गवाहियां, आज बवासीर गई, बड़ी बड़ी गवाहियां आप सुन रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शाबाश, शाबाश, शाबाश। हालेलुया। प्रॉफिट जिस बहन की बहुत ही बड़ी गवाही है, आपने इनके लिए प्रोफेसी की थी कि तुम एक्टर बनने के लिए जा रही हो, इन्होंने उस प्रोफेसी को रिसीव किया, आज इनको टीवी सीरियल में सिलेक्शन हो चुकी है। मैं बोले आ नची 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 यसु लई, मैं बोले आ नची 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 यसु लई, मैं बोले आ नची 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 यसु लई, मैं बोले आ नची 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 यसु लई। हालेलुया। परमेश्वर भी आपको बड़ी बड़ी जगह पर क्यों लेकर जा रहा है? क्योंकि ताकि आप उन लोगों के बीच में सुसमाचार फैला सको। समझ में नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? जो लोग अपनी आत्मिकता को भंग नहीं करते, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करता है। हाँ हाँ बेटे, हाँ, कहाँ से आए आप, कहाँ से आए बताओगे? माइक मैं तो सोच रहे तू एक्टर बन गई।
है बेटी बन बनाता आ गया पता है। हाँ बोलो बोलो। जिस दिन शोभा यात्रा सीगी उस दिन एकदम सानू कॉल आई बॉम्बे तो, कोई इन्हें ऑडिशन नहीं दी, कुछ नहीं किया, प्रभु के चमत्कार नाल ही सानू कॉल आया कि तुहाडी बेटी नू जी पंजाबी ते वर्क मिल गया वा, तुसीं इहनू हुणे छड के जाओ इत्थे। हालेलुया। सुन रहे हैं, ये परमेश्वर है, बच्चों के फ्यूचर खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा है, आप सुन रहे हैं कि नहीं? के परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनते हैं। बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। जदों यीशु दा जलाल होवेगा, जदों यीशु दा जलाल होवेगा। पापा जी, मैं गड्डी लेना चाहती सी, मेरा लोन नहीं हुंदा सी, मैं अक्टूबर महीने बड़ा ट्राई किया, नहीं होया। जिस दिन मैं न्यू ईयर से ताड़ी टीवी चो ऑनलाइन वेख रही सी, तुसी कहा एम नाम वालों के लोन होने जा रहा। पापा जी, उतो 10 दिन बाद ही मैं गड्डी बुक करा ली, अज मैं अपनी गड्डी ते बैठ के आई चर्च दे विच। जदों यीशु दा जलाल होवेगा, जदों यीशु दा जलाल होवेगा। हालेलुया। एक शेरनी और कार में आई है, शाबाश, जोर से तारीफ करो। चलो जाओ जाओ, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। देखो मैं कह रहा हूँ कि शेर बना के भेज रहा हूँ आज आपको, शेरनिया बजा के भेज रहा हूँ आज। चूहे बनकर आना है अगले संडे के, शेर बनकर आना है, शेर यहूदा का शेर, समझ रहे कि नहीं? आपको शेर बनना है कि मेरे काम बनने वाले हैं, चूहा नहीं बनना। की होगा साडा, कई लोग ऐसे आते हैं चर्च में, हाय पता नहीं, प्रार्थना भी करा ली, लैंड भी करा ली, ऑयल भी ला लिया, फिर भी चूहे बने हुए ने, प्रोफेसी भी सुन ली, तावी चूहे बने हुए ने, हुण तुसी शेर बनना है। ओए, जो मैंने मांगा मिल गया है, समझ में आया कि नहीं? शेर ओनू कहने हैं जड़ा बार बार सच्चा अंगीकार करता है, क्लेम करता है अपनी लाइफ में कि मेरे साथ अच्छा होने वाला है, समझ रहे हैं? मोदी साहब बोलते हैं ना, हमारे दिन अच्छे आ रहे हैं। हालेलुया। वो तो मोदी साहब को पता और आपको पता है, बोलो हालेलुया। लेकिन अच्छे दिन आ रहे हैं आपके, आमीन। हर बात को आमीन, बाइबल बोलती है कि हर एक बात अगर शीघ्र पूरी करानी है वो है आमीन। 10 साल बाद चाहिए बच्चा, 10 साल बाद चाहिए नौकरी, तो आमीन लेट बोलो। जिसको आमीन जल्दी बोलना, नौकरी आ रही है। हाँ, गवाही के साथ। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इन सब की बहुत ही बड़ी गवाही है। हाँ। ये सभी अपनी गवाही में बता रहे हैं, किसी के पास बेबी बॉय की ब्लेसिंग नहीं थी, 18 साल से, 5 साल से, 17 साल से, 25 साल से नहीं थी, ताजपुर चर्च में प्रोफेसी को रिसीव किया, बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुके। मसीह की, देखो जब आप किसी की शादी में जाते हो तो क्या आप जाते ही कुर्सी पर बैठते हो, पहले जाकर क्या आप वहां पर जाते ही नाचना शुरू कर देते हो? वो तो एक ही बंदा कर सकता है, वो है शराबी। वो तो घुसते ही सीधा वहां जाएगा, कितने बज रहे हैं भाई टोल, सुन रहे हैं? कह रहे लेकिन कह रहे कि आप एकदम नहीं नाचेंगे, आप इंतजार करेंगे कोई उठेगा, कोई उठ रहा है, कोई लेडीज उठ रही है। जिहड़ी नचने वाली जनानी होंदी है, नचने वाला आदमी होंदा है, ओदे पैर अंदाजा ही करदे रहंदे ने, हैं, समझ रहे कि नहीं? वो कर रहा होता है ऐसे 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 ऐसे, कह रहा है कि कोई तो मिले, कोई तो जाए, कोई तो जाए। शर्म आ रही होती है उसको, क्योंकि जब तक सामने वाला नहीं जाएगा तब तक वो नहीं जाएगा। हमारा कल्चर है, कल्चर है कि नहीं? तो यहाँ पर भी आप भी कोई कल्चर बनाया हुआ है, पहले कोई हाथ उठाएगा तो मैं उठाऊंगा, कोई नाचेगा तो मैं नाचूंगा। मैं कह रहा हूँ जितने प्रभु के लिए आनंदित हो रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, अंधेरी आधी रात मुक गई, उजड़ी ना यक मच पई, अंधेरी आधी रात मुक गई, उजड़ी ना यक मच पई, अंधेरी आधी रात मुक गई। सुनो, मैं सूरत गया, गुजरात गया, अहमदाबाद गया, जब मैंने सेब का ही शुरू किया, बॉम्बे गया, हरियाणा गया, राजस्थान गया, पंजाब का कोई कोना नहीं मैंने छोड़ा जहाँ पर मैंने मीटिंग ना की हो। पता है लोग क्या बोलते थे, मेरे ऊपर गिफ्ट है, जहाँ पर सुस्त चर्च होता है उसके अंदर मैं जान डालकर आ जाता हूँ। समझ में आ रहा है? सुस्त लोग कह रहे पसंद नहीं है मुझे, सारे बोले हालेलुया। हाँ, बैठ जाए शामा। देखो आपके सामने है, कह रहे कि 4 साल, 7 साल, 25 साल, 13 साल, 8 साल, कह रहे कि बच्चे नहीं थे, एक साथ, कह रहे यहाँ पर बड़े सारे लोग खड़े हैं, गुड न्यूज मिल रही है, ये परमेश्वर है बेटे। हाँ,
कहाँ से आया पहले? मुक्सर से जी। मुक्सर से? हाँ जी। कितने साल से? छह साल से। कैसे मिली आशीष? हम ताजपुर चर्च में आए और पापा जी ने वो, कौन से पापा जी ने? आपने। अच्छा, वो प्रवेशी करी थी और वो एप्पल मीटिंग थी ना, मैंने एप्पल खाया था। हाँ। तो वो रिसीव किया, मुझे ब्लेसिंग मिली। छह साल बाद मैं बहुत दूर दूर तक भटकी पापा जी, पर मुझे ब्लेसिंग कहीं नहीं मिली। मुझे जहाँ पर आके ब्लेसिंग मिली है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पापा जी। मुझे मुझे प्रेगनेंसी थी जब पापा जी, मुझे बहुत ब्लीडिंग हुई, पर मैंने आप पे विश्वास किया पापा जी, मेरा बच्चा सही सलामत है। मैं ऐसे प्रेयर में बोलती थी, मेरा बच्चा मेरे पापा जैसा होए, इसमें कोई कमी ना आए मेरे, इसलिए मेरे बच्चे में कोई कमी नहीं आई पापा जी। मैं मेरे से बोलती थी लेवल 2 स्कैन करा, मैंने कोई स्कैन नहीं कराया पापा जी, पर मेरा बच्चा आज आपकी दया से बिल्कुल सही सलामत। सारे बोलो हालेलुया। सुनो, देखो, आपको लग रहा है चर्च में प्रेजेंस है? मुझे तो लग रहा है। बोलो हालेलुया। आप सुनो, देखो, परमेश्वर का अनुग्रह। ये कैरी के पापा, यार ट्यूनिंग सुना के मैं पहले गवाही सुना। सुनो, ये देखो आपके सामने हल्की ट्यूनिंग कर, तो आपको सुनना है पवित्र आत्मा आपके बीच में। छह साल से बेचारी कितनी दुखियारी थी, जगह जगह घूम रही थी, कोई बच्चा नहीं था, कोई औलाद नहीं था, जगह जगह परेशान हो रही थी, और इसने विश्वास किया और ऑयल लगाया, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, और देखो आज बेटे के साथ आई है। परमेश्वर ने आशीष दिया करी। जब बच्चा ठीक नहीं था तो मैंने कहा कि परमेश्वर पापा जैसा हो जाए। मैंने दो डुप्लीकेट तो देखे हैं फिल्म में, पर जो भी आता कह रहा पापा जैसा हो जाए, तो इतने सारे कैसे, तो शाम की शक्ल एक जैसी कैसी हो जाएगी? सारे बोलो हालेलुया। ये इसका विश्वास है कि स्वभाव में प्रभु के अनुग्रह जैसा हो जाए, यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? विश्वास करते हैं, और देखो पवित्र आत्मा ने अद्भुत काम कर दिया कि बच्चा स्वस्थ है। कहाँ से आए आप? मुक्सर, पंजाब से आए। जोर से ताड़ी बजाएं, शाबाश। मैं फिर कह रहा हूँ, जिसके पास बच्चा नहीं है उनके लिए उम्मीद जगा रही है ये गवाही यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो, आपके रिश्तेदारों पड़ोसियों के पास भी बच्चा नहीं, आज मैं गिफ्ट दे रहा हूँ आपको। हाथों को उठाओ कि आप अपने परिवार की और रिश्तेदारों की और करो उनके गेट की और उनकी फोटो पर हाथ लगा देना। गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आपके हाथों पर आ रही आशीष। कहाँ से आए बेटे? कहाँ से आए? पापा जी मैं राजस्थान से आई हूँ पापा जी। जय मसीह की पापा जी, मैं राजस्थान से आई हूँ, और मेरे भाई के पास कोई बेटा नहीं था। वो 4 साल से बेटा मांग रहा था, और उसने मेरे को बोला कि आप चर्च जाते हो, मेरे को भी लेके चलो। तो पापा जी मैं यहाँ इस चर्च में लेके आई, और उसको बेटे की आशीष मिली। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट आ गया, बड़ा बड़ा। हाँ बेटे, कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? राजस्थान से। कितने साल से? 7 साल बाद में बच्चे की आशीष मिली, बेटे की आशीष मिली। कितने टाइम हो गया था शादी को? शादी को 8-9 साल हो गए थे। 8-9 साल हो गए थे पहले। किसने बताया आपको यहाँ के बारे में? हमारे रिश्तेदार में आते थे यहाँ, रामराज। हाँ, उसने बताया कि कहाँ पे मिलेगा बच्चे का राज? ताजपुर चर्च में। हालेलुया। सुनो, गुड न्यूज, रामराज ने बताया बच्चे का राज उधर है भाई। सुनो, और क्या आपने कोई अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया था? लेकर ले हैंड प्रेयर कराई थी आपने? शाबाश, अच्छे बोलना। ले हैंड प्रेयर कराई, कहाँ गई? ले हैंड प्रार्थना कराई और गुड न्यूज मिली। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूँ, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल आप निराश हो, सोमवार से लेकर शनिवार तक निराश रहा करो महाराज। संडे को निराश मत रहना, क्योंकि यहाँ मेरा यीशु आया हुआ है। समझ में आया कि नहीं? जो निराश रहते हैं संडे को भी, उनके साथ एंजल नहीं जाते। लिख लो अपनी बात पर, इसका मतलब उनके अंदर विश्वास की कमी है। इसलिए मेरी मजबूरी है, मैं आपको खुश रखता हूँ, नहीं तो मेरा भी है, मैं भी ऐसे प्रचार कर सकता हूँ। मेरी भी आंखें बड़ी बड़ी हैं। सारे बोले हालेलुया। चलो जाओ साइड में जाओ। 18 साल से बेटे नहीं थे। कितनी बेटियां थी पहले? 5। तूने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। मेरे पास तो 3 वाले 4 वाले आते हैं। कितनी थी? 5 जी। पहले देखो, उसने चीकू खाया लड़की होगी, आम खाया लड़की होगी, झाड़ू लगवाया लड़की होगी, भाई साहब तागा लगवाया लड़की होगी, फिर अंगूर लाया लड़की होगी। कितनी होगी? 5 जी। फिर ये बेटा कैसे मिला आपको? यहाँ पे आए हम, उधर से आ जाना।
यहाँ पे आए मिट्टी ले गए वाटर वाल ले गए तो बेटा का शीश मिला। अच्छा मतलब इसको आदत पड़ गई है। देखो कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रॉफिट बिजिंदर अनॉइंटिंग वाटर ऑयल और ये आटा मिट्टी क्यों देता है। मैंने कहा इनको आदत पड़ी हुई है भाई साहब, इनको भी तो आदत पड़ी है। अंगूर लेंगे बेटा हो जाएगा, चीकू लेंगे बेटा हो जाएगा, केला लेंगे बेटा हो जाएगा, इसने अनॉइंटिंग वाटर लिया मिट्टी लिया बेटा हो गया। लेकिन इसको ये लेने से ये पता लग गया कि यीशु मसीह के नाम से जब हम लेते हैं विश्वास से तो हमारी मन की मुराद पूरी हो जाती है यीशु मसीह के नाम में। आपके सामने है, किसने दिया बेटा आपको? यीशु मसीह ने। हाँ यीशु मसीह ने। जोर से तारीफ करो शाबाश। 18 साल थोड़े नहीं होते, 18 साल से बेटा मांग रहा है। कहाँ से आए आप? बिहार से। ओ तेरे की लालू के यहाँ से आया। फिर तो भाई साहब 18 साल लगने ही थे। सारे बोलो हालेलुया। ये विश्वास की बात है। जितने विश्वास कर रहे हैं बिहार वालों, पटना वालों, यूपी वालों, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, कोलकाता, महाराष्ट्र, बॉम्बे, हरियाणा, पंजाब, मैं कह रहा हूं कि ये गिफ्ट है मेरे ऊपर। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आ जाना। यीशु मसीह यहां से आपको बेटे की आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करें। जाएं जाएं नेक्स्ट दिखा, नेक्स्ट शाबाश। मैं बोलिया नचे 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 यीशु लई, मैं बोलिया नचे 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 यीशु लई, मैं बोलिया नचे नचे नचे। हां 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 गवाही के साथ कोलकाता ब्रांच फटाफट, कोलकाता जल्दी से कॉल। बहन गवे 3 साल से अस्थमा था, 10 साल से पाइल्स था। ये माता गवे, इनका बहू का गवे 3 साल के बाद, इनका बहू को 4 मंथ का प्रेग्नेंट है। 15 साल से ग्रुप प्रॉब्लम था, 15 साल से पाइल्स था, 3 साल के बाद घर का आशीष मिल चुकी है। 6 साल से पेट में ट्यूमर था, इस भाई को प्लॉट की आशीष मिल चुके। 2 साल के बाद गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिल चुकी है। पापा ये बहन बहुत बड़ी गवाही इधर है। पापा बोल रहे हैं जब वेस्ट बंगाल चर्च में है, अपने प्रोफेसर कर जो वेस्ट बंगाल चर्च में है, जिनके पास बेबी नहीं, बेबी मिलने के लिए जा रहे हैं। पापा 7 साल इनके पास कोई बेबी नहीं था, जैसे यहाँ पर आया एनोइंटिंग ऑयल का यूज किया, प्रोफेसर को रिसीव किया, 7 साल के बाद बेबी बॉय का आशीष मिल चुके है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तू ना घबराली यहोवा तेरे नाल है, तू ना घबराली यहोवा तेरे नाल है। वर्शिप करने वाले आजाद हो जाएं आज, हाथ उठाने वाले आप बीमारियों से आजाद हो जाएं आज, फ्री गुड न्यूज आए आपके हाथों पर यीशु के नाम में। हाँ सुन रहे हो, कोलकाता ब्रांच में गुड न्यूज मिल रही, लोगों को गवाहियां दे रहे हैं, लगातार लगातार आप सुन रहे थे गवर्नमेंट जॉब, हर चीज की आशीष। हाँ अपने हाथों को उठाऊं कोलकाता ब्रांच, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, कोलकाता ब्रांच में इस समय पवित्र आत्मा तेरा फेवर होने पाए परमेश्वर, और इस समय बहुत सारी आशीष हैं जो बाहर खड़े हैं, अंदर हैं, पवित्र आत्मा सबके ऊपर तेरा अनुग्रह उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। हाँ अगले संडे ध्यान से सुनना, जो भी ब्रांचे हैं अगले संडे जो भी कोई बीमार होगा स्क्रीन के सामने पहले ही खड़े कर देना, स्क्रीन के सामने ले आना, जो भी कोई बीमार हो, ज्यादातर बीमारियां रिपोर्ट वाली बीमारियां लेकर आना, रिपोर्ट वाली बीमारियां जिसको आपको रिपोर्टों में बताया हो ये है प्रॉब्लम, ये है, ये है, ये मैं रिपोर्ट के साथ मंगाऊंगा। हर ब्रांच वाले जिसकी रिपोर्टें हो करा कर लाना, जो बीमारी है उसको लिए प्रेयर होगी और आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ झारखंड ब्रांच, झारखंड ब्रांच अपने हाथों को उठा, मुझे बता रही मिराकल मनी की गवाही होगी। हाँ हाँ बोलो बोलो। बस आप अपने हाथों को उठाओ शाबाश, अपने चर्च में गवाहियां दो। देखो आपके सामने पूरा चर्च, अपने हाथों को उठाओ शाबाश ऊपर। देख रहे हैं आप के झारखंड में
गवाही दे रहे हैं रांची में और चर्च बढ़ता जा रहा है। परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आत्माएं बच रही हैं, गुड न्यूज, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। देखो ये परमेश्वर की ओर से फेवर, पवित्र आत्मा ने ब्लेसिंग दिया। तेरे चर्च में गवाहियां डिफरेंट डिफरेंट आने लगी हैं। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ झारखंड ब्रांच में, जो समय परमेश्वर, जो इस समय ऑनलाइन जलंधर ब्रांच में हाथ उठाए हुए हैं, पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता मैं इनकी तरफ उस सामर्थ को छोड़ता हूँ जो इन्हें सच में परमेश्वर ऊपर उठाए, ब्लेसिंग दे आज से, जो नीचे गिरे हुए हैं फिर से ऊपर उठाए, इनके बिजनेस को ऊपर उठाए, इनके बैंक बैलेंस को नंबर वन करे यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनके ऊपर हो, पवित्र आत्मा इनके चरित्र पर दाग लगने ना पाए परमेश्वर। होली स्पिरिट आज से ये पवित्र आत्मा मजबूत हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। गुड न्यूज मिलेगा अब। हाँ हाँ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हालेलुया। प्रॉफिट जिस बैंड की बहुत ही बड़ी गवाही है, सारी ब्रांचें, इसके बाद सारी ब्रांचें दिखाना। हाँ, शाबाश शाबाश। 6 साल से पैरों में फुट कोन हो चुका था, प्लस गुर्दे में पथरी थी। जैसे ताजपुर चर्च में आए, आपसे स्पेशल लेहन प्रार्थना करवाने से ये बैंड आज नॉर्मल पोस के साथ प्लस हो चुके हैं। नाली है, नाली है, यहोवा तेरे ही नाली है। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ के बोलो यहोवा तेरे नाल है। बोलो यहोवा साडे नाल है। हाँ हाँ हाँ, बताएंगे बेटे कहाँ से आए। जंडियाला। जंडियाला कितने हैं? जलंधर से? अमृतसर। अमृतसर जंडियाले से। हाँ हाँ, बोलो बोलो। प्रॉफिट जी और सारी कलीसिया को जय मसीह की। मेरा नाम नवताज कौर है और मैं जंडियाला गुरु की रहने वाली हूँ। मेरे दोनों पैरों में 6 साल से फुट कौन थे, पोरियाँ हुई थी। मैंने बहुत मेडिसिन खाई लेकिन ठीक नहीं हो रही थी। मैंने स्पेशल लेहन करवाई विश्वास से और अनॉइंटिंग ऑयल लगातार यूज़ किया और 5 दिनों में रिजल्ट आ गए। मेरी पोरियाँ जड़ से ख़त्म हो गई। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरे गुर्दे में पथरी हो गई थी, मैंने विश्वास के साथ कल रिपोर्ट करवाई और मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है। मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप देख रहे हैं अमृतसर जंडियाले से आई है एक कुड़ी, मतलब पंजाबी भूल गई, हिंदी बोल रही है। देखो इनका पास्टर हिंदी जानता है, पंजाबी नहीं है ना, तो पंजाबी में गवाही देनी थी ना। देखो और ये किस, क्या नाम है आपका? नवताज। नवताज, नवताज, देखो नवतेज, डॉक्टर ने गलत लिख दिया डॉक्टर ने, नवतेज नवताज। इसके पैर बिल्कुल बड़े बड़े छाले से भर गए थे पैर, देखो स्क्रीन पर खराब हो गए थे पैर। 5 दिन में रिजल्ट आ गया, ऑयल लगाया। कोई भाई साहब ओडोमास भी लगाते हैं, मच्छर नहीं भागता आजकल। ऑयल, ये प्रार्थना का ऑयल है। बोलो हालेलुया। और देखो गुर्दे में कितनी बड़ी बड़ी पथरियां थी और बाइबल बोल रहे सुनो 5.6 करे के बड़ी बड़ी पथरियां थी। जब इसने अनॉइंटिंग वाटर पिया पथरियां गायब हो गई यीशु मसीह के नाम में। कौन है चर्च ये? तू ना घबराओ, यहोवा तेरे नाल है। तू ना घबराओ, यहोवा तेरे नाल है। विश्वास से किया करो, बोलो नाल है। सबके सामने तो सब कर लेते हैं, अकेले में किया करो नाल है। सबके सामने तो सब फॉर्मेलिटी करते हैं, अकेले में करके दिखाया करो। जब आप निराश होते हैं बोलो यहोवा मेरे नाल है। दाऊद जब अकेला था तो अपनी पीठ पे थपथपाता था, डर मत यीशु, यहोवा तेरे नाल है। समझ में आए कि नहीं? तो वो आपके साथ है, हर टाइम आपके साथ है वो, परमेश्वर उनके साथ है। देखो लाइन लगी हुई है यहाँ पर गवाहियों की। हाँ हाँ, ऊपर करो शाबाश। हाँ हाँ, शीतल, सुमन, उर्मिला, परमजीत, गुड़िया, पुड़िया सब आई हैं। देखो यहाँ पर, और किसी के पति नशे करते थे, कोई घर बनाना चाहते थे, वीजा केस चल रहा था, कोर्ट केस से आजाद हुए, कोई हड्डियाँ टूटी थी, मेरा कलम नहीं हुआ, मैरिज की ब्लेसिंग मिला। सिरसा, नेहा नेहा नेहा, आर 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 ला ला दे 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 दे। मैं तेरे को क्यों छोड़ रहा हूँ बताए? शादी हुआ अभी, नया शादी हुआ। हाँ, शैतान रोक रहा है आपको गुड न्यूज देने से, बच्चा देने से रोक रहा है। होली स्पिरिट ने मुझे बोला अभी इसी समय, और मैं अभी इसी समय हाथ पकड़ रहा हूँ और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इसको, इसके हाथों को ब्लेस कर दें। आबा लाबा शाबा लाबा लाबा शाबा लाबा, अपने पेट पे हाथ लगा, अपने पेट पे हाथ लगा। ओ रा 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 आउट, चलो छोड़ो इसको।
free in the name of Jesus. Good news मिले यीशु मसीह के नाम में. तू ना घबरावे. Conceive करे बच्चा यीशु मसीह के नाम में. यहोवा तेरे नाले. हाँ सुनो. क्योंकि फिर भी तू एक साल बाद दो साल बाद मेरे पास आती. मैंने कहा चल कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं, मुझे नहीं पता शादी कब हो आपका. अभी एक महीना हुआ पापा. तभी तो कह रहा हूँ. मैं क्या कह रहा हूँ? आपसे बहुत प्यार करती हूँ पापा. मैं आपसे नफरत करता हूँ क्योंकि लाइव चल रहा है. लव यू पापा. तो मेरी बेटी है. लव यू लव यू लव यू. बेटे कोई बात नहीं. सुनो सुनो सुन, रोना नहीं तेरे लिए बोल रहा हूँ. पवित्र आत्मा ने मुझे बोला मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था मैंने कहा दो साल बाद फिर आएगी मेरे पास. ये शादी हुआ ना भी, तो प्रभु ने बोला शैतान इसको रोक रहा है, बच्चा नहीं होने दे. जब तूने स्पिरिचुअल फादर को आई लव यू कहा तो तेरे को गुड न्यूज मिले यीशु मसीह के नाम में. बच्चा हो यीशु मसीह के नाम में. गुड न्यूज मिलेगी, गुड न्यूज. ऐसा हस्बैंड नहीं देखा मैंने जो रो रहे पहली बार. मैं तो कभी नहीं रोया. डोंट वेरी. ऐसी स्थिति आ जाती है कई बार, रोना पड़ता है, लेकिन प्रभु आप दोनों को ब्लेस कर रहा. हाथ पकड़ अपनी पत्नी का. पवित्र आत्मा इनको ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में. जाओ शाबाश गुड न्यूज. हाँ हाँ हटो और इसी समय ऊपर करो शाबाश. स्किन एलर्जी था. परमजीत अमृतसर से आई है तू. कड़े शहर तो आई है. अमृतसर तो. कितने शहर तो सीखा? दो साल तो प्रॉब्लम सीखी. आजाद होगी. दुष्ट आत्मा तंग करती थी, स्पेशल ले एंड प्रे कराया, आजाद हो गई. मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे प्लॉट की आशीष मिली. 8 साल से स्किन एलर्जी था, पथरियाँ था, रसोलियाँ था. ले हैंड कराया, आजाद हो गए. कोर्ट केस से आजाद हो गए. 5 साल से कोर्ट केस चल रहा था, आजाद हो गए. प्रोफेसी को रिसीव किया. रुके हुए काम खुलने लगे. नए नए काम खुलते चले गए. यीशु मसीह के नाम. कहाँ से आया? लुधियाना से. लुधियाना से. कितने टाइम से काम बंद पड़ा था? 1 साल से. एक मकान का लेंटर पड़ने वाला था. काम भी बंद पड़े थे. हाँ जी, काम भी. कैसे खुले काम? ये चर्च में आने से. प्रोफेसर रिसीव करने. ताड़ी बजाएं जोर से यीशु मसीह के नाम में. आप किसी के लिए गवाही देने के लिए नहीं आए, आप किसी के लिए आशीष का कारण बनने के लिए आए हैं. जब आप गवाही देने के लिए आते हैं तो आप अपनी तारीफ करने के लिए आते हैं. आप गवाही ये सोच कर दिया करो कि मैं किसी के लिए आशीष का कारण बनकर जा रहा हूं, और परमेश्वर आपको फिर दोबारा गवाही बनाएगा यीशु मसीह के नाम में. ये कह रहे जो धूप में बैठे हैं, मैं उन्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा, अपने हाथों को उठाऊं और आज आजाद हो रहे हैं आप यीशु मसीह के नाम में. 5 साल के बाद कह रहे कि 5 साल से कोर्ट केस, बच्चे नहीं थे, प्रॉब्लम. कह रहे कोर्ट केस, प्रोफेसी सुना, नई नई कार की आशीष. अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो. पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ इन्हें गुड न्यूज दे यीशु मसीह के नाम में. आमीन. जाओ जाओ अपने स्थान पर. हाँ हाँ, सारे स्क्रीन पर दिखा दे शाबाश. सब दुबई ब्रांच इस समय अपने हाथों को उठाओ बेटे. हैदराबाद ब्रांच तैयार है. आप हैदराबाद को दिखाना थोड़ा सा. हैदराबाद ब्रांच देखो, हैदराबाद में एक बहुत बड़ा क्रूसड होने के लिए जा रहा है. सुनो, हैदराबाद ब्रांच अपने हाथों को उठाओ. शाबाश, तैयार हो आप? Yes! आपको वॉलंटियर बनना है, ठीक है? आपको yes, पापा जी, yes! आपको वॉलंटियर बनना है. नो गेट आपको. Yes! उस स्टेडियम के बहुत बड़े बड़े नो गेट हैं, आपने संभाल लेने. Yes! उस नो गेट पे आपको, सुनो ध्यान से, एक छोटा ऑयल मिलेगा. और छोटा ऑयल एक एक जो लोग वहां आ रहे हैं, ऑनलाइन जो सुन रहे हैं मुझे, मैं उनको बोल रहा हूँ कि चाहे आप छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यूपी, बिहार, चाहे आप आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हैदराबाद, बॉम्बे, गुजरात, नागपुर, उनके लिए बोल रहा हूँ कि झारखंड में इतने लोग गए थे और उनके मेरे से मुलाकात भी नहीं हुई. 10 किलोमीटर दूर थे वो, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि वो लोग जितने वहाँ पर गए थे, मेरे पास गवाहियाँ आ रही हैं प्रेयर टावर पर, उनके काम बनते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं. मैं कह रहा हूँ कि मैं प्रभु की ओर से आ रहा हूँ आपके शहर में. आमीन. आपके आसपास परमेश्वर बहुत सारी अनॉइंटिंग देगा, बहुत सारी ब्लेसिंग देगा. आमीन. बहुत सारे पास्टरों के चर्च ग्रोथ करेंगे वहाँ पर यीशु मसीह के नाम में. आमीन. बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी. बहुत सारे लीडर बनेंगे. परमेश्वर आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में. आमीन. आपको तैयार रहना है और ब्लेसिंग के लिए. जो फिर बोल रहा हूँ, हैदराबाद 7 मार्च 5 बजे शाम
जो भी मुझे सुन रहे हैं पहुंच जाए वहां पर पवित्र आत्मा गुड न्यूज देने के लिए जा रहा है। हाथों को उठाओ बेटे हैदराबाद ब्रांच और इसी समय पवित्र आत्मा जी में प्रार्थना कर सारी ब्रांच दिखाता रहे शाबाश। पवित्र आत्मा जब हैदराबाद ब्रांच के लोग इस समय परमेश्वर जो इस मीटिंग के लिए स्पॉन्सर बने पवित्र आत्मा हेल्प करें पवित्र आत्मा जी सच में मेरे पिता परमेश्वर इनके घर में परिवार में पवित्र आत्मा आशीषें खुल जाए के नाम में। जो लोग हैदराबाद ब्रांच के लिए जो हैदराबाद के लिए क्रूसेड के लिए बीज बो रहे हैं परमेश्वर उनके घर में आज से अनॉइंटिंग डबल होने पाए पवित्र आत्मा उनके बच्चे आशीषित होने पाए बड़े बड़े काम खुलने पाए परमेश्वर इनके सच में नए नए बिजनेस खुलने पाए आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में। फेवर कर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। दिखाता रहा आगे शाबाश आमीन। आप दिखाता रहा आगे जल्दी जल्दी। दुबई ब्रांच अपने हाथों को उठाओ शाबाश। मॉरीशस ब्रांच में देख रहा हूँ सबको। दुबई ब्रांच मॉरीशियस गुजरात अहमदाबाद गोवा कर्नाटका तमिलनाडु आंध्रा फिरोजपुर शाबाश। अपने हाथों को उठाओ। फाजिलका ब्रांच ऊपर उठाओ हाथ हैप्पी ऊपर उठाओ हाथ। और इसी समय पास्टर मोगा हाथ उठाओ शाबाश। और मोगा ब्रांच इसी समय अमृतसर ब्रांच पटियाला ब्रांच भटिंडा ब्रांच। और इसी समय सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या मेरी कलीसिया हाथ उठाकर इन ब्रांचों को दुआ दे सकती है तो अपने हाथों को उठाओ और स्क्रीन की तरफ हाथ कर दो। सब लोग आज आपके लिए दुआ कर रहे हैं। परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर दिखाता रहा आगे फटाफट। इसी समय फाजिलका ब्रांच पटिंडा ब्रांच राजपुरा ब्रांच इसी समय मरिंडा ब्रांच चंडीगढ़ ब्रांच और दिल्ली ब्रांच इसी समय यूपी बिहार उत्तराखंड पवित्र आत्मा राजस्थान। और इसी समय परमेश्वर बिहार में जो दो तीन है मुंबई में थाने में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी जगह जगह अंधेरी में मेरे पिता परमेश्वर गुजरात में दिल्ली में पवित्र आत्मा जो ब्रांच है इस समय परमेश्वर दिखाता रहे शाबाश। बड़ी बड़ी ब्रांचें दिखाता रहे पवित्र आत्मा। इसी समय गुड न्यूज मिले परमेश्वर इन लोगों ने जो हाथ किए हैं पवित्र आत्मा जी। सच में जब मसीह लोग इकट्ठे होकर आशीर्वाद देते हैं पवित्र आत्मा एक दूसरे को लग जाता है यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु उधर के लोग भी ने आशीर्वाद दे हमारी कलीसिया ऐसे ही प्रेम में बढ़े शांति को देखे पवित्र आत्मा ब्रांचे बढ़े पवित्र आत्मा इनके बड़े बड़े छुटकारे होने पाए इस हफ्ते में बड़ी शांति को देखने पाए। जो सच में एक दूसरे को दुआएं दे रहे हैं आशीष दे रहे हैं परमेश्वर इनके बच्चे भी आशीषित हो जाए इनके बिजनेस ब्लेस्ड हो जाए। मैं इस समय हाथ करके इन्हें इनकी ओर मुंह करके इन्हें ब्लेस करता हूँ। पथरियां बाहर जो कोई बीमार है आजाद हो जाए। पथरियां बाहर रसोलियां बाहर कैंसर बाहर शुगर बाहर थायराइड जाए इसी समय से खड़े हो जाओ इसी समय डंडे छूट जाए प्रेस में से गिल्टियां रसोलियां बाहर पथरियां किडनियों में से बाहर आए कम आउट बाहर आए दुष्टात्मा से सताए हुए लोग आजाद हो जाए। कर्जे के शराब गरीबी का शराब टूट जाए आमीन बोलने वाले आजाद हो जाए। जिनके काम बंद पड़े फ्यूचर बंद पड़े खुल जाए आज आमीन आमीन यीशु के नाम में आमीन बोलने वाले आजाद हो जाए परमेश्वर। बड़े बड़े काम खुल रहे हैं जम्मू ब्रांच आपके कपूरथला ब्रांच मैं कह रहा हूँ कि इस समय बरनाला ब्रांच यूरोप ग्रीस इटली जर्मनी फ्रांस और इसी समय ऑस्ट्रेलिया अमेरिका न्यूजीलैंड फिजी से जो मुझे देख रहे हैं दुबई से पाकिस्तान से क्या श्रीलंका से ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज आए आपके ऊपर जो नेपाल से भी देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हमारी नेपाल ब्रांच को भी ब्लेस करता हूँ परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको इसी समय इस हफ्ते में गुड न्यूज दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। सब लोग बैठ जाए अपने स्थान पर और इसी समय वचन का टाइम है ध्यान से सुनेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग अगर आशीष पाना चाहते हैं आज पवित्र आत्मा आपकी ब्रांचों में भी गुड न्यूज दे रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ जो हैदराबाद ब्रांच में और इसी समय मैं देख रहा हूँ दुबई में मॉरीशियस में मैं से आत्मा में देख रहा हूँ जो यूरोप ब्रांचों में हमारी खड़े हैं और इसी समय जो बाहर की ऑनलाइन ब्रांचें हैं जो इंडिया में पवित्र आत्मा ने मुझे बोला जिनके GNRSM NKL से हैं बहुत फाइनेंस में तरक्की करोगे अब सही समझ में। आपका फाइनेंस घटेगा नहीं बढ़ेगा। तीन बार बोलना मेरा फाइनेंस घटेगा नहीं बढ़ेगा घटेगा नहीं बढ़ेगा घटेगा नहीं बढ़ेगा बढ़ूंगा बढ़ूंगा बढ़ूंगा। मुझे बढ़ने के लिए बुलाया यीशु मसीह के नाम में। बोलो दुबई ब्रांच बोलो बढ़ने के लिए बुलाया यीशु मसीह के नाम में। बढ़ने के लिए बुलाया किसके लिए बुलाया बढ़ने के लिए बुलाया। हालेलुया क्योंकि भजन संहिता 119 के 47 में लिखा क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूँ। किसके कारण आज्ञाओं के कारण और उनसे प्रीति रखता हूँ। मैं तेरी आज्ञाओं की ओर जिनसे मैं प्रीति रखता हूँ हाथ फैलाऊंगा और तेरी विधियों पर ध्यान करूंगा क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को बोल रहा है
जो उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए हाथ फैला रहा आज, अपने हाथ फैलाए बच्चे के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए मिला नहीं, लेकिन जिसने आज कहा परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाओं को मान पाऊं, हाथ फैला रहा हूं पवित्र आत्मा, तेरे नियम मेरी झोली में आए, सच में तेरा अनुग्रह मेरी झोली में आए परमेश्वर, तेरी ब्लेसिंग मेरी झोली में आए परमेश्वर, जो हाथ फैला रहे हैं आज पवित्र आत्मा जी, आज दाऊद की तरह, मूसा की तरह हाथ फैला रहे हैं। मेरे पिता दाऊद ने घर गाड़ी के लिए हाथ नहीं फैलाया परमेश्वर, मूसा ने घर गाड़ी के लिए नहीं परमेश्वर, तेरे लोगों के लिए फल लाने के लिए हाथ फैलाया, आत्मा बचाने के लिए हाथ फैलाया पवित्र आत्मा, तेरे लोगों की सेवा करने के लिए हाथ फैलाया। जो लोग इस प्रकार से हाथ फैला रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं कि परमेश्वर पहले मैं आत्मिक हो जाऊं और मेरा घराना मेरे बच्चे आत्मिक हो जाए, परमेश्वर तू उनकी झोली में आज सब कुछ डाल रहा है यीशु मसीह के नाम। गुड न्यूज, सुख और शांति आपको मिले यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर गुड न्यूज दे आपको, तैयारी करना है इस हफ्ते में, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे, आप आशीष को देखेंगे। हम जल्दी से बीज, जितने लोग चाहते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो लोग बीज नहीं बोते वो गरीब रहते हैं। बाइबल बोलती है कि कुरनेलियुस अपनी लाइफ में समझदार व्यक्ति था प्रेरितों के काम में, और कुरनेलियुस ने बहुत दूर से जाना। कुछ लोग दूर से आते हैं लेकिन बीज बोने में कमजोर होते हैं, कुछ लोग प्रार्थना करने में ताकतवर हैं लेकिन बीज बोने में ताकतवर नहीं है। अगर आप बैलेंस नहीं रखेंगे, सुन रहे हो, बाइबल बोलती है और डॉक्टर भी बोलते हैं, अगर आप मीठा ज्यादा खाते हो तो आपको ज्यादा लोगों को, कई बार आपको सुन रहे हो, अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती हैं। अगर आप ज्यादा कड़वा खाते हो तो आपको बवासीर हो जाती है, ज्यादा ही मिर्च खाना, नमक खाना, शुगर हो जाती है, तो आपको बैलेंस रखना पड़ता है। मीठा भी खाओ, नमक भी खाओ, समझ रहे कि नहीं? तो आपको, अगर आप प्रेयर करते हैं और आप वचन नहीं पढ़ते तो आप बैलेंस में नहीं है, समझ में आई? आप चर्च नहीं आते तो आप बैलेंस में नहीं है। अगर आप चर्च भी आते हैं, प्रेयर भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं और दशवांश भी देते हैं और भेंट भी देते हैं, दान भी देते हैं, बेस्ट बीज बोते हैं, याद रखना आप बैलेंस में हैं। सबसे तकड़ा घर आपका बनेगा, आमीन। सबसे तकड़ा बच्चा आपका पैदा होगा, 4 किलो का पैदा होगा। किसी ने सुना 4 किलो का? सुना किसी ने? 2 किलो उसके अंदर होगा, 2 किलो स्वर्गदूत भी होगा पास में, 4 किलो का होगा। बेशक डॉक्टर की नजर में 2 किलो का हो, मेरी नजर में 4 किलो का है, क्योंकि उसके साथ स्वर्गदूत हैं। मैंने एक बच्चे को उठा लिया गलती से, ऐसे उठाया, मैंने कहा यार लग तो पतला सा, पर भारी कितना है यार। सही में मुझे पवित्र आत्मा ने कहा ये एक पास्टर का बच्चा है, इसके पास स्वर्गदूत रहते हैं यीशु मसीह के नाम। समझ में आया आपको? गुड न्यूज, परमेश्वर देगा, तकड़ा बनाएगा, बैलेंस में रहोगे। अपने पड़ोसी को बोला बैलेंस में रहे, आंख आगे फैलती जा रही, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपको बैलेंस में रहना है, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, भेंट, आप दान आपको बैलेंस में रखता है। अगर भेड़ की इतने बाल होते हैं भेड़ के ऊपर, अगर उसके कांटे ना जाएं तो भेड़ के बाल गर्म होते हैं, वो मर जाती है। इसलिए परमेश्वर आपके पैसे से को इसलिए रहता है कि ताकि लोगों की हेल्प हो, उसकी सेवकाई चले, चर्च के काम, टेंट के, साउंड के किराया दिया जाए और भी लोग बचाए जाए। बोलो हालेलुया। अगर कलिसिया में बीज बोने वाले कमजोर होते हैं तो वो कलिसिया कभी नहीं बढ़ती और उसका बिजनेस भी कभी नहीं बढ़ता। याद रखना जो लोग बीज बोने में तकड़ा है, मैं नहीं मानता वो उसका कोई मुकाबला कर सकता है, वो सबसे ज्यादा तकड़ा आदमी होगा बिजनेस में, हर चीज में आपका बैंक तकड़ा होगा। आमीन। तकड़े रहना है कि कमजोर रहना है, फैसला आपको लेना है। अपने विचारों में तकड़े रहो, आपके विचार आपको डराते हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। आप विचार को कह दो हप, बोलो अपने विचार को, बोलो हप, डांट दो उसको विचार को। जब तक आप डांटते नहीं अपने विचार को, आपके विचार में आता कि बच्चा नहीं होगा, उसको बोलो हप। आपका विचार कहता है कि नहीं यार तू अमेरिका नहीं जा सकता, उसको बोलो हप। लेकिन माता जी सोच रही है मैं कह रहा हूं तेरे को हप। आपको विश्वास करना है, आपके विचार आपको कहीं से कहीं ले जा सकते हैं, या तो आमीन ना बोलो, या तो नरक ले जा सकते हैं या स्वर्ग ले जा सकते हैं। या नरक ले जाएंगे या स्वर्ग ले जाएंगे, गरीबी में ले जाएंगे या अमीरी में ले जाएंगे। आपके विचारों पर आपको कंट्रोल करना है, उसको बोलो हप। आपके विचार आपको बहुत ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। सही विचार लेकर आए, सही विचार लाना आपका फर्ज है। सुन रहे हैं कि नहीं? आज का हमारा टॉपिक है भड़काने वाली आत्मा, पूछो किसके पास है।
भटकाने वाली आत्माएं होती हैं, भटकाने वाली आत्मा। आपके बिजनेस ने यहाँ पर शुरू करना था लेकिन बिजनेस कहीं पर और शुरू कर लिया, मकान कहीं में लेना था कहीं और ले लिया, इसका मतलब प्लान आपका गलत कर दिया, डिसीजन आपको गलत दे दिया, वो भटकाने वाली आत्मा होती है और आप साल साल दुखी रहते हैं। ऐसे मकान में चले जाते हैं आपके पास बच्चा नहीं होता, ऐसे मकान में चले जाते हैं आपके पास कह रहे कि पैसे भी नहीं होते, सारा मकान पे ही लग गया। ऐसी दुकान खोल ली आपने, आपका बिजनेस जीरो हो गया, आपने बच्चे को विदेश भेजना था, कह रहे कि सही प्लान नहीं था। प्लान देने वाला परमेश्वर है। आज का टॉपिक आपको बताएगा, आज का वचन, आज का कलाम आपको बताएगा, कह रहे कि अब तक आप अगर फ्यूचर अब तक नहीं बना, वो फ्यूचर किसी कह रहा है और के पास नहीं, आप ही के पास है वो फ्यूचर बनाने की शक्ति, वो फ्यूचर बनाने की शक्ति बच्चों का और अपना आपके पास है। आज अगर आप सही ढंग से इस वचन को सुनेंगे और लिखेंगे तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में वो करेगा जो कभी किसी ने नहीं किया। पवित्र आत्मा आपके बच्चों का फ्यूचर बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बस एक काम करना, आपको एक काम करने के लिए तैयार हो गए नहीं, आज शेर मार कर जाना। बस क्या मार के जाना है, बोलो शेर मारेंगे आज हम, एक मारोगे कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोला शेर मार के जावांगी आज। सारे बोलो हालेलुया। ये सस्पेंस है अभी 5 मिनट के लिए, क्योंकि मैं अभी जरा खाना खा के आ रहा हूं। एक शेर मार कर जाना आप। सारे बोलो हालेलुया। मैं फास्टिंग में हूँ, चिंता ना करो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको एक शेर मारना है आज। अपने पड़ोसी को बोलो शेर मारा तूने कभी? नहीं मारा तो आज मारना सिखाएंगे आज। शेर शेरनी को नहीं कह रहा हूँ, शेर मारना आपने आज। सारे बोलो हालेलुया। कह रहे जिसने आज शेर मार दिया, मैं कह रहा हूँ उसका फ्यूचर खुल जाएगा यीशु मसीह के नाम। तो तैयार हैं? शेर मारना, पहला शेर मारना, कह रहे हैं कि आपने विचारों को मारना है कि आज हम एक बेस्ट बीज बोएंगे। आमीन। मैं देख रहा हूँ किस किसने शेर मारा है, मैं लाइव में देख रहा हूँ, मैं इसमें गिन रहा हूँ किस किसने बीज बोया आज, किस किसने हाथ उठाया, कौन कौन लाइव में। मैं देखता हूँ हर संडे, हर वीरवार मैं लाइव में देखता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे बॉम्बे से एक मुझे भेजता है, वो हर संडे हर वीरवार टन 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 सिक्के नहीं गिरते उसमें, पता नहीं क्या गिरते हैं। मुझे मैसेज आता है मेरे मोबाइल में, मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है। सारे बोला हालेलुया। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब यह है कि उसने आने वाली मुसीबतों को, गरीबी करते के शेर को मार दिया यीशु मसीह के नाम। आमीन। समझ रहे हैं? तो परमेश्वर आपको उठाएगा और ब्लेस करेगा। बोए पास्टर सपना आपके लिए दुआ करेगी। हाँ हाँ जल्दी उठेगा कोई नहीं, शाबाश। जी संग है यहोवा, किसके संग है? ता किसे दी क्यों पाली है? जीसस तू ना कबरावी, यहोवा तेरे नाल है, तू ना कबरावी। हालेलुया, यहोवा तेरे नाल है। आइए अपने हाथों को उठाएंगे, अपने मनों को यहोवा के हाथों में सौंपेंगे। आज मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, अगर आप अभिषेक का आदर करेंगे, अभिषेक आपके ऊपर आएगा यीशु के नाम में। आप जैसे आए थे अब वैसे नहीं है। आप निराश आए थे, कोई कुड़कुड़ा के आया था, कोई दर्द में आया था, कोई झगड़ता आया था, लेकिन जब आप हेवन के अंदर प्रवेश किया, गेट के अंदर प्रवेश किया, तो परमेश्वर ने क्या किया, आपके मुख पे प्रकाश चमका दिया। आप अपनी फोटो खींच के आया करो घर से, कि जब घर से निकले फोटो उतार ली, जब आप चर्च के अंदर आ जाते हो, अभिषेक के अंदर आते हो, फिर अपनी फोटो उतारा करो। आपके चेहरे पे अभिषेक का तेल होता है, आपके चेहरे पे एक ताकत होती है, आपके शरीर में एक ताकत होती है, क्योंकि आप चौड़े हो जाते हो, क्योंकि अभिषेक परमेश्वर का आपको टच करता है यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग आमीन बोलने के लिए तैयार है? आपका आमीन आपको जीत की ओर लेकर जाता है यीशु मसीह के नाम में। तो मैं फिर कह रही हूँ, तैयारी रखना, खुदा के दास बहुत जल्द हमारे बीच में वचन की खुराक लेकर आ रहे हैं। जो शारीरिक रोटी खाओगे वो एक समय की है, शारीरिक पानी पियोगे कभी प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन जो जीवन का सोता, जो पानी परमेश्वर आपको देगा, जब आप वो रोटी खाओगे कोई भूख आपको नहीं लगेगी, वो आत्मिक जल जब आप पियोगे तो कोई प्यास आपके अंदर नहीं रहेगी, क्योंकि आप एक पावरफुल व्यक्ति बन जाओगे यीशु मसीह के नाम में, एक सामर्थी व्यक्ति बन जाओगे यीशु मसीह के नाम में, और कोई भी आपके चेहरे की स्माइल को छीन ले ना पाएगा। ये देखो बहन कहाँ है हमारी, हालेलुया, कहाँ हो, परमेश्वर की हुजूरी में हो, नहीं हो, हो ना,
मांगो आज, उठाओ हाथों को यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा, धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने अपने नबी के द्वारा हमें समझाया आज मेरे परमेश्वर कि यहोवा के राज्य में यदि तुम कुरनेलियुस की तरह जाओगे, एक डर के साथ, एक भय के साथ यहोवा के राज्य में सेवा करोगे, तो स्वर्ग दूत आज तुम्हारे दर्शन में आएंगे। जो भेंट आज आपने परमेश्वर के राज्य में बोई है, क्रूसेड के लिए बोई है, हेल्प करने के लिए बोई है, कैमरा के लिए, चैरिटी के लिए, परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए, जो वचन आपके दास ने पहले इतिहास में से पढ़ा मेरे खुदा।